एक समय की बात है, टुनटुनी चिड़िया अपने घर में अकेले रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर का देहांत हो चुका था। वे चिड़िया बहुत ही गरीब पक्षी थी। वे बहुत मुश्किलों से भोजन लाती और अपना पेट भरकर किसी तरह गुजारा किया करती थी। एक दिन फिर वो भोजन के लिए निकलती है। वे रास्ते में ही थी कि उसकी नज़र एक पक्षी पे पड़ती है जो बैठकर रो रही थी। टुनटुनी चिड़िया उस पक्षी के पास जाती है। अरे आप कौन है बहन और आप क्यों रो रही हैं? इससे पहले मैंने तो आपको कभी नहीं देखा। मैं रोज इसी रास्ते से भोजन लेने जाती हूँ, लेकिन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। हाँ बहन, आप देखो अभी कहाँ से, मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरे पति ने मुझे और मेरी बेटियों को घर से निकाल दिया है। मैं अपनी बेटियों को लेकर इस जंगल में आई हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अपनी चिंता नहीं, लेकिन इन नन्ही नन्ही बच्चियों को मेरे साथ भटकना पड़ रहा है। मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकती। ये तो तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ बहन, तुम्हें तो काफी चोट भी आई है, तुम्हें अपने दर्द का एहसास भी नहीं। मुझे अपनी चिंता नहीं बहन, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने ही जी पाऊंगी, लेकिन मुझे अपने बच्चियों के लिए बहुत चिंता हो रही है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही। अगर मैं उन्हें इसी तरह बेसहारा छोड़कर मर गई तो मुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रही हैं बहन, आपको कुछ नहीं होगा और आपकी बच्चियां भी बेसहारा नहीं है। मैं इन बच्चियों का ख्याल रखूंगी, मैं अपने बच्चों की तरह इनका देखभाल करूंगी। क्या सच में आप मेरी बच्चियों का ख्याल रखेंगी? मुझसे वादा कीजिए कि अपने बच्चे की तरह मेरी बच्चियों का ध्यान रखेंगी पिस्ते। हाँ हाँ, मेरा भी अपना कोई नहीं है, ना ही मेरा कोई बच्चा है। मैं भी इस जंगल में अकेली ही रहती हूँ। मैं इन पक्षियों को अपने बच्चे के जैसा पालूंगी। टुनटुनी चिड़िया, मैं अपनी बेटियों के बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ जादुई हैं। इनके पास खास जादू है और इन्हें अपने जादू का इस्तेमाल करना अच्छे से आता है। इसलिए मैं इन्हें किसी गलत पक्षी के हाथ नहीं लगने देना चाहती थी। तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं। बहन तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चैन से मर सकूंगी। बच्चों तुम सब इन्हें ही अपना माँ समझना, अपनी माँ के जैसा इनका सम्मान करना। मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर वह पक्षी मर जाती है। टुनटुनी चिड़िया काफी उदास थी। बच्चे भी अपनी माँ की मृत्यु पे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। उन्हें अब बहुत दुख था क्योंकि उनकी माँ उनके साथ नहीं थी, लेकिन टुनटुनी चिड़िया उन्हें कभी अपनी माँ का एहसास नहीं होने देती। अब टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए पूरी दिलो जान से मेहनत किया करती थी। अरे बच्चों, इस सर्दी में तो घर से निकलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और कहीं साफ कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अगर इस सर्दी में मैं भोजन को गई भी तो मुझे भोजन का दाना दिखेगा ही नहीं। अब मैं तुम्हें क्या खाने को दूँ? घर में अनाज का दाना भी नहीं है। मैं बच्चियों मुझे माफ करो, मैं तुम्हें आज कुछ नहीं खाने को दे सकती। मैं बहुत बुरी माँ हूँ, तुम बच्चियों का पेट भी नहीं भर सकती। अरे अपने आप को मत कोसिए माँ, आप जैसा माँ तो कोई हो ही नहीं सकता। आपने तो अपनी जान से भी ज्यादा हमें प्यार दिया और हमारा ख्याल रखा। अरे माँ, इसी मुसीबत में भी अगर हम अपनी जादू का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर कब करेंगे? हमारे जादू किस काम का होगा? फिर छोटी चिड़िया अपनी जादू से वहाँ पे बहुत सारा भोजन ले आती है। उसके पास भोजन का जादुई शक्ति था जिससे वे खाने का कोई भी सामान अपने जादू से ला सकती थी। फिर दूसरी चिड़िया अपनी जादू से बहुत सारा गर्म कपड़े ले आती है जिससे उन्हें ठंड में बहुत राहत मिल जाती है। और तीसरी चिड़िया के पास दौलत का शक्ति था। वे अपने जादू से बहुत सारे सोने के सिक्के उगलती थी। इस तरह टुनटुनी की तीनों जादुई बेटियों ने अपने जादू से टुनटुनी चिड़िया की सारी परेशानियां दूर कर दी।
टुनटुनी चिड़िया को ना ही तो अब भोजन की चिंता थी ना ही पैसों की। अब तीनों बेटियों ने टुनटुनी चिड़िया की सारी मुश्किलें दूर कर दी थी। इस तरह अब टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगती है।